हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल में हरीम का हुनर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोगों के फरमाइश पे बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो स्पीकर हैं, हमारी जो किचन की क्वीन हैं, उनका थोड़ा सा आज गले में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आज ये बोलने का काम मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों ने लिया है। मोटे तौर पे समझ लेते हैं, ये हमारा 1.5 केजी चिकन है और ये 1 केजी हमारा चावल है। ये हम लोगों ने बासमती राइस लिया हुआ है। फ्रेंड्स, इसको देखिए, ये इस तरह का चावल जो है वो बिरयानी के लिए बेस्ट होता है। और हम लोगों ने लगभग 1 केजी आलू लिया है, जिसे हम लोगों ने काट के धो लिया है। और मसाले की तरफ में अगर आएँ तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है अदरक और लहसुन, इसे हम लोगों ने काट के रख लिया है। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के हमारे प्याज है, कटे हुए हैं। ये आपका लाल मिर्च पाउडर है, ये नमक है, स्वाद अनुसार लेना है। और ये ज़ाफ़रानी रंग है, ये गरम मसाले हैं। और ये है हमारी काली मिर्च, गुल मिर्च। और ये रहा हमारा ज़ीरा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स है। और ये स्पेशल चीज़ है दही, जिसको हम लोग चिकन के साथ मैरिनेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप नोट कर लीजिए और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। फ्रेंड्स, अब हम लोग मैरिनेट की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें डालेंगे दही। दही बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, दही चिकन के हिसाब से ही डालना है। ठीक है, और ये अब हम लोग लाल मिर्च इसमें मिलाएंगे, जिससे कि हमारा कलर भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। ये रहा थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी देखिए आप लोग किस तरह से ये मैरिनेट कर रहे हैं। हम लोग इसको देखिए अपने हाथों से अच्छे तरह से मिलाने से क्या होता है कि हर एक रेशे में बारीक जगह पे भी आप बढ़िया से इसमें मैरिनेट कर सकते हो, अपने हाथों से मसाले को लगा सकते हो। इसलिए मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि अपने हाथों से आप इसे पूरा मिलाएँ, ताकि ये बेहतर तरीके से हो जाए। इसे मैरिनेट करके हम लोग थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि हम लोग इसी तरह के स्पेशल डिशेज और डेली यूज़ होने वाले डिशेज, सारे चीज़ों को हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आप लोग अब देखिए इसका आगे का प्रोसेस क्या है। देखिए, हम लोगों ने आलू को गर्म करने के लिए या फ्राई करने के लिए हम लोगों ने कढ़ाई चढ़ा ली है, और कढ़ाई हमारा मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसमें हम लोग तेल डालेंगे, ये हमारा मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, और ये रहा हमारा आलू, इसमें हम लोग थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग डालेंगे ताकि आलू का हमारा कलर बढ़िया रहे। और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी, एक चुटकी नमक हम इसमें मिला देंगे, और इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिला लेंगे। बढ़िया से इसको क्रश कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तब तक के लिए हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है, ये देखिए ऑयल लगभग हमारा गर्म हो चुका है। और यहाँ पे हमारा आलू में कलर भी मिल चुका है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आलू डालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और ये गया हमारा आलू, तेल हमारा गर्म हो चुका है। धीरे धीरे करके हम अपने सारे आलू को इसमें डाल देंगे। ये हमारा सारा आलू चलाइए इसमें, हम लोग इसको चम्मच के जरिए इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम लोग ढक देंगे ताकि ये गल जाए।
लो फ्लेम पे इसको कर देंगे। देखिए हमने लो फ्लेम पे कर दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे ताकि आलू इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। देखिए यहाँ पे हमारा आलू अभी तल रहा है, ठीक है, गलेगा इसमें अभी आलू, तो इसको हम लोग ढक देते हैं और चलते हैं हम लोग अगले प्रोसेस की ओर। हमने एक और कढ़ाई लिया हुआ है जिसमें हम लोग अपना चिकन को फ्राई करेंगे। पहले हम लोग तेल डालेंगे इसमें, सरसों तेल हम लोगों ने इसमें डाल दिया है। उतना ही तेल लेना है जितना हमारा चिकन है, उसके हिसाब से हमें तेल लेना है ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे तरीके से उसमें फ्राई हो सके। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ हमारा आलू है जो गलने के लिए हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, कुछ देर में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ पे एक फ्राई अपने कढ़ाई में ये हम लोगों ने सरसों तेल ले लिया है। अब हम लोग चिकन को इसमें फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें एक एक करके हम लोग अपना चिकन को डालेंगे। ये देखिए, वाह, मैरिनेट करने का फ़ायदा यही होता है दोस्त कि चिकन जो है हमारे सारे चिकन में मसाले अच्छी तरीके से लग जाते हैं और इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत आ जाता है। यहीं से मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, इतना खूबसूरत लग रहा है ये चिकन माशाल्लाह। और कितना चिकन हो सके एक बार में हम पूरा ले लेंगे ताकि सब इक्वली फ्राई हो सके। फ्रेंड्स, अब हम आलू को अपने काटा चम्मच से लगा के इस तरह से चेक कर लेंगे। हमारा आलू हो चुका है, गल चुका है। अब इसे हम एक अपने प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। हमारा चिकन अब तल गया है, पूरा अच्छी तरह से रेडी हो गया, इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, एक एक करके चिकन को निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन भी फ्राई होके निकल गया है और आलू भी हम लोगों ने गला लिया है, फ्राई कर लिया है, ये दोनों चीज़ हमारा अब रेडी है। फ्रेंड्स, ये है हमारा मसाला, ठीक है, जो हम लोगों ने मसाला लिया था, अदरक लहसुन उस सारे चीज़ को पीस लिया है। इसमें प्याज भी हम लोगों ने पीस लिया, गरम मसाला वगैरह जितने मसाले हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे वो सारा हमने पीस लिया है। अब इसमें हम लोग डालेंगे लाल मिर्च और ये हमने लाल मिर्च डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक आपको जितना लेना है स्वाद अनुसार टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कढ़ाई में तेल गरम हो चुकी है, इसमें अब हम लोग ऐड करेंगे इस तेल में दालचीनी, थोड़ी सी दालचीनी हम लोग डालेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस मसाले को हम लोग जिसमें इसमें लाल मिर्च हम लोगों ने डाला था तो उसको हम लोग इस तरह से अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, ठीक है। और इसको अब हम लोग अपने तेल में थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से अपने मसालों को हम लोग डाल देंगे और हल्के हाथों से इसको चलाते रहेंगे। मसाला हमारा पकना शुरू हो चुका है। देखिए, ये जो हमारा मसाले वाला कटोरी है उसी में हम थोड़ा सा और दही लेंगे, ठीक है, और दही को इस मसाले में ही मिक्स करते हुए थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि हमारे कटोरे में का जो बचा हुआ मसाला है वो दही में लग जाए अच्छे तरीके से। और उसके बाद इस पूरे पेस्ट को हम लोग वापस से इस मसाले में वापस से डाल देंगे। ये देखिए, ठीक है, अब हम हल्के हाथों से अपने मसाले को चलाते रहेंगे। इसे तब तक पकाना है दोस्त जब तक कि ये तेल जो है वो पूरा ऊपर की तरफ में नहीं आ जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख सक रहे हैं कि हम लोग का मसाला जो है वो बन के रेडी है। इसके किनारे किनारे पे ऑयल आ चुका है, हमारा मसाला पूरी तरह से तैयार है। अब हम लोग इसमें अपना चिकन को ऐड करेंगे, ठीक है, चिकन को ऐड करके हल्का सा इसको भून लेंगे ताकि सारे मसालों में चिकन अच्छे से तरीके से मिल जाए।
देखिए हल्के हाथों से चिकन को मिलाना है, वरना ये चिकन जो है हमारा टूटने लगेगा। ठीक है, वाह देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी मिला देंगे, जितना हमें ग्रेवी रखना है उस हिसाब से हम अपना पानी रखेंगे। ग्रेवी बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है क्योंकि हम लोग को ये बिरयानी में वापस डालना है। ठीक है, और ये रहा हमारा ग्रेवी विद चिकन, माशाल्लाह कितने खूबसूरत कलर आई हुई है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें करने के लिए और इसमें पकने के लिए इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारा चिकन एकदम पूरी तरह से पक के रेडी है, हमारा ग्रेवी भी रेडी है, सारा कुछ हमारा ये चिकन का रेडी हो चुका है। अब हम लोग इस चिकन को निकाल के रख देंगे अलग से जगह पे, क्योंकि हमको इसको चावल के संग मिलाना है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे कैसे करना है। अब हम लोग चलते हैं अपना चावल की तरफ। चावल का पानी हम लोगों ने पहले से ही चढ़ा रखा है गर्म होने के लिए, और ये अभी थोड़ा सा और गर्म होगा, उसके बाद हम लोग इसमें चावल को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने चावल को पहले से ही भिगो के रखा है, इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे भिगो के रखिए, ताकि ये और भी अच्छे तरीके से एकदम नरम और हल्का बिरयानी बने आपका। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे अपने गर्म पानी में। हमारा पानी जो एकदम पूरी तरह से गर्म हो चुका है, और इसमें हमने कुछ थोड़ा सा गर्म मसाले डाले हुए हैं, दालचीनी, लौंग, इलायची, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। 1 चम्मच नमक हमने डाला और 1 चम्मच और डाला, और 2 चम्मच हमने इसमें नमक डाला ताकि चावल में नमक का टेस्ट बरकरार रहे, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ऑयल। ठीक है, ताकि हमारा चावल ना चिपके। अब हम डाल रहे हैं इसमें अपना चावल, ये हमारा चावल इसके अंदर गया अच्छी तरह से साफ करके, ये सारा चावल को हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा चावल पकेगा इसमें, और चावल पकने के बाद हम चेक करते रहेंगे इसको बराबर, चावल अच्छी तरह से गल जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है क्योंकि बिरयानी बनने के बाद फिर हमको इसे दम पे भी रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको ढक देंगे और ढक के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड, हमारा चावल बन के रेडी हो गया है, इसको हम चेक कर लेंगे उंगली से पीस के, ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है हमारा चावल। अब हम लोग इसका पानी को अलग कर लेंगे, पका लेंगे चावल को, उसके बाद हम लोग इसमें चिकन और आलू को मिलाने का काम शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पास है 1 कप दूध। ठीक है, अब हम लोग इसमें ज़ाफ़रानी रंग थोड़ा सा मिलाएंगे, ये हमारा बिरयानी का कलर होगा, ये कलर को हम लोग रेडी करेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा बिरयानी का इत्र डालेंगे। ठीक है, अब हम डालेंगे थोड़ा सा मीठा इत्र, ज़रा सा ही डालना है, और ये हमारा जो कलर का घोल है वो रेडी हो चुका है। हमारा जो चावल है उसको हम लोगों ने सारा निकाल लिया है, यहाँ रखा है, और नीचे में थोड़ा सा चावल आप देख सकते हैं हम लोगों ने रखा है, ताकि नीचे सटे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें आलू को डालना स्टार्ट करेंगे, आलू को बिठाएंगे। मेन प्रोसेस यही है बिरयानी में, आपको चावल अलग बनाना है, चिकन अलग बनाना है, और दोनों को बिठाने का तरीका, और ये है बिरयानी का मसाला। फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये घर में तैयार हो जाता है, बाहर भी मिलता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बिरयानी मसाला कैसे बनाया जाए, तो आप कमेंट करिए, हम आप लोग को इसका रेसिपी भी बता देंगे। और अब डालेंगे हम लोग चिकन अपना विथ ग्रेवी, नीचे हम लोग फर्स्ट लेयर में थोड़ा सा ही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चावल को ऐड करेंगे, फिर ये देखिए इस तरीके से चावल को डाल देना है, देखिए
चौर को डालने के लिए अच्छे तरीके से ना फैला देना है ताकि वो फैल जाए, एक ही जगह ऊंचा नहीं करना है। और फिर से डालेंगे हम बिरयानी मसाला। फ्रेंड्स अब हम लोगों ने ये दूसरा लेयर डालना स्टार्ट कर दिया है, आलू भी छा दिया है और चिकन विथ ग्रेवी हम लोग उसमें डालना शुरू कर दे रहे हैं। अच्छी तरीके से डालना है, फैला फैला के डालना है और ग्रेवी भी साथ में आपको चारों तरफ फैलाते रहना है ताकि चावल में इस ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। ठीक है फ्रेंड, अब फिर से हम इसमें गरम मसाला अपना बिरयानी मसाला जो भी है इसको डाल देंगे और उसके बाद फिर से हम इसमें चावल को ऐड करेंगे। देखिए अब हमने दूसरे लेयर को भी अपने चावल से कवर कर दिया है। ठीक है, वापस से हम फिर से बिरयानी मसाला डालेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको इस मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम ये बिरयानी मसाला घर पे कैसे बनाएंगे वो भी मैं आप लोग को शेयर कर दूँगा। अब हम डाल रहे हैं फिर से चिकन। ठीक है, जो भी हमारा बचा चिकन है इसको हम डाल देंगे क्योंकि हम तीन ही लेयर बना रहे हैं बिरयानी में। एक केजी चावल और 1.5 केजी चिकन में आपका 3 लेयर अच्छा से हो जाएगा। ये देखिए बाकी जो भी ग्रेवी बचा हुआ था वो तो सारा हम लोगों ने इसमें डाल दिया। अब इसमें जो बचा आलू है वो हम डाल देंगे। अब फिर से हम इसमें ऐड करेंगे अपना बिरयानी मसाला और जो बचा चावल है हमारा वो सारा हम इसमें अब ऐड कर देंगे। ये हमारा फाइनल लेयर हो चुका है, अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बिरयानी मसाला और डाल देंगे। ठीक है, और एक तरफ हम लोगों ने तेल थोड़ा सा गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है, इस तेल को हम लोग इसके ऊपर से डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डालेंगे इसमें कलर। ये जो हम लोगों ने कलर का मिक्सचर तैयार किया था मीठा तर के साथ, ये सारा कुछ इसमें डाल दिया हम लोगों ने। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा कलर हो गया है हमारा बिरयानी का और यकीन मानिए बहुत ही टेस्ट आने वाला है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, इसकी महक बहुत ही अच्छी आ रही है। माशाल्लाह इसे देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ये देखिए इस तरह से डालना है तेल। आप इस तेल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट घी मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा रिच हो जाएगा, टेस्ट तो आएगा बट थोड़ा सा ज़्यादा रिच हो जाएगा, तो हम लोग नॉर्मली तेल का ही यूज कर लेते हैं। और अब हम लोग इसको ढक देंगे और इसको तकरीबन 15 मिनट के लगभग, 15 से 20 मिनट के लगभग हम लोग इसको दम के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमने एक तवा रखा है, गैस को हम लोगों ने ऑन कर रखा है, हाई फ्लेम पे है लेकिन इसे हम लोग मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, लो फ्लेम पे कर देंगे। चलिए लो पे कर दिया और ये हमारा दम के लिए छोड़ दिया हमने। अब 15 से 20 मिनट के बाद हमारा बिरयानी जो है वो एकदम बन के रेडी हो जाएगा। चलिए अब डायरेक्ट मिलते हैं बिरयानी को सर्व करते हुए। फ्रेंड्स देखिए अब हमारा चिकन बिरयानी बन के तैयार है, अब इसे हम सर्व करते हैं। चावल देखिए हमारे एकदम खड़े हैं, महक तो इसकी बहुत ही कातिलाना आ रही है। माशाल्लाह,
और इसे हम यूज़ करेंगे इसके लिए सलाद और घोल, और ये रहा हमारा फुल कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, घोल का रेसिपी हम लोगों ने पहले भी डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये रेसिपी आपको पसंद आए, ये वीडियो अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।